What we do here is go back, 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 back. फैजान अंसारी जिनको पाकिस्तानी गर्ल आयशा से निकाह करना था, इनका वीज़ा पाकिस्तान एम्बेसी ने कर दिया है रिजेक्ट, और इसी सिलसिले में इन्होंने रखी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए जानते हैं फैजान से ही कि इनका वीज़ा पाकिस्तान एम्बेसी ने क्यों रिजेक्ट कर दिया है। आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ, कुछ खास वजह? देखिए, उनको लग रहा था कि ये जो फैजान अंसारी बंदा है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है और अभी ये पाकिस्तान आके यहाँ पे बवाल मचा सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी नेशनल चैनल पे कहा है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ करने वाला हूँ। सो इसलिए उन्होंने पूरा प्री प्लान उन्होंने करा और प्लान करके उन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया। फैजान, ये बताइए कि आपको कब पता चला कि आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है? देखिए, मेरा पाकिस्तान की पूरी मेरी प्रिपरेशन हो गई थी, मेरा पेपर वर्क सब कम्प्लीट थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया हूँ। और ये आज सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock पे मेरे एजेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया, जब से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। सो ये सब हुआ एक्चुअली। फैजान, अब आप क्या करेंगे, आपका अगला कदम क्या होगा? अभी फैजान अंसारी इंडिया में इतिहास लिखने वाला है। अभी आपको यू हैव टू वेट फॉर 2 days or 3 days, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ। मतलब आज तक इंडिया में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है फैजान अंसारी ऐसा इतिहास लिखने वाला है, क्योंकि अभी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है मेरा वीज़ा रिजेक्ट करके। तो अभी मैं वो करूँगा, इन्होंने अपना काम कर दिया है, अब मैं अपना काम करके दिखाऊँगा। तो फैजान, आपने खुद कहा कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हिस्ट्री हो जाएंगी, तो ऐसा क्या करने वाले हैं कुछ बताइए हमको, क्या बॉम्ब तो नहीं फोड़ेंगे आप? ऑफकोर्स, देखिए मैं और मेरी टीम उसी पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और मुझे हज़ारों मैसेज इंस्टाग्राम फेसबुक पे आ रहे हैं, हज़ारों फैंस के मैसेजेस आ रहे हैं, और आई एम सॉरी अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पाई उनमें से, तो सब ये पूछ रहे हैं अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। तो मैं इसीलिए आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, सारा पूरा मुंबई का मीडिया है जुहू में इकट्ठा है, उनको बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ मैं करने वाला हूँ और फैजान अंसारी पीछे हटने वालों में से नहीं है। चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, अब मैं पूरे पाकिस्तान को दिखा के रहूँगा कि फैजान अंसारी कौन है, और मैं इतिहास बनाऊँगा अभी 2-3 दिन में। फैजान अंसारी का वीज़ा तो हो गया है रिजेक्ट, मगर गौर करने वाली बात यह है कि अब तक आयशा से कोई भी रिप्लाई आया नहीं है, ना ही उन्होंने कोई इंस्टाग्राम या अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात का कन्फर्मेशन दिया है कि वो फैजान अंसारी से शादी करने वाली है। ऐसे में हमें तो यही लगता है कि ये सब नौटंकी है। आपका क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में, क्या फैजान अंसारी का प्यार सच्चा प्यार है या सारी नौटंकी है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल डेली मनोरंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।